सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टाग्राम के ये तीन सुपर यूजफुल अपडेट जो डेफिनेटली आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, आपके बहुत ज्यादा यूज में आएंगे। एंड इंस्टाग्राम ने ये तीनों ही अपडेट रील्स से रिलेटेड निकाले हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और हर कोई जानता है कि 90% इंस्टाग्राम की पब्लिक इंस्टाग्राम को सिर्फ रील्स देखने के लिए और रील्स अपलोड करने के लिए ओपन करती है। एंड रील्स से ही इंस्टाग्राम का धंधा चल रहा है, तो इंस्टाग्राम रील्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट्स लाते रहता है। ये तीन अपडेट्स बहुत ज्यादा यूजफुल है और आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे, इसीलिए मुझे इन अपडेट्स पर पर्टिकुलर वीडियो बनानी पड़ रही है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही इंस्टाग्राम से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, साइड में चल चुकी होगी मेरे मोबाइल की स्क्रीन, एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, जहाँ पर मेरे 170,000 फॉलोवर है। यहाँ पर मैं टेक्निकल वीडियोस डालता रहता हूँ, तो आप मुझे जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब बात करते हैं पहले अपडेट की। तो सबसे पहले अपडेट को जानने के लिए आपको करना क्या होगा, नीचे से यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर रील को अपनी सिलेक्ट कर लेना है, जो भी रील्स को आपको अपलोड करना है। तो मुझे जैसे इस वाली रील को अपलोड करना है, मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई भी एक्सवाइजर कैप्शन डालूंगा। एंड यहां पर आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि यहां पर आपको एक ऑप्शन फालतू मिलेगा ऑडियंस का। तो आप जैसे ऑडियंस पर यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी रील को क्लोज फ्रेंड्स पर भी सेट कर सकते हो। तो मैं यहां पर इसको क्लोज फ्रेंड पर सेट कर देता हूं। अब जो मेरी रील है वो सिर्फ मेरे क्लोज फ्रेंड्स तक ही जाएगी, मतलब कि जिनको मैंने अपने क्लोज फ्रेंड की लिस्ट में ऐड कर रखा है, सिर्फ उन्हीं के पास मेरी इंस्टाग्राम रील जाएगी, बाकी और कोई मेरी इंस्टाग्राम रील्स नहीं देख सकता। एंड आई थिंक ये अपडेट उन लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा जो लड़की अपनी रील किसी और को ना दिखाने के चक्कर में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लेती है, मतलब वो चाहती है कि मेरी रील सिर्फ मेरे क्लोज फ्रेंड ही देखे। तो उनके लिए ये ऑप्शन बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, उसके लिए उनको प्राइवेट अकाउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की। तो दूसरा अपडेट भी आपको यहीं पर रील्स अपलोड करते टाइम ही मिलेगा, उसके लिए आप लोगों को नीचे से एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है, और एडवांस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन फालतू मिलेगा डाउनलोडिंग योर रील्स का। यहां पर अलाउ पीपल टू डाउनलोड योर रील्स, मैंने यहां पर इसको इनेबल कर रखा है। आपको यहां पर हो सकता है ऑफ दिखे, तो आपको यहां पर इसको इनेबल कर देना है और टर्न ऑन फॉर ऑल रील्स पर क्लिक कर देना है। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा, मैं आपको दिखा देता हूं कि आपकी जो भी इंस्टाग्राम रील्स होगी उसको कोई भी अपनी गैलरी में डायरेक्ट इंस्टाग्राम से डाउनलोड कर पाएगा। मैं आपको एक बार प्रूफ दिखा देता हूं। मैं अपनी पहले दूसरी आईडी पर स्विच हो जाता हूं, और दूसरी आईडी पर स्विच होने के बाद मैं अपना यहां पर मेन आईडी सर्च करता हूं। मेन आईडी सर्च करने के बाद मैं एक बार यहां पर कोई भी रील डाउनलोड करने को देखता हूं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये रील मैंने सेलेक्ट कर ली, इसके शेयर बटन पे मैं क्लिक करता हूं और यहां पर मुझे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। अब मैं जैसे इसको डाउनलोड करता हूं तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो डाउनलोडिंग चलना स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो ये रील मेरी गैलरी में डाउनलोड होकर आ गई है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे अपडेट की। तो तीसरे अपडेट के लिए आपको अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर आकर ऊपर थ्री लाइंस पे क्लिक करना है। थ्री लाइंस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा सजेस्टेड कंटेंट का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा सेंसिटिव कंटेंट का, तो आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करके आपको अपने हिसाब से इसे स्टैंडर्ड, लेस या मोर पर सेट कर देना है। अब मैं बात करता हूं कि सेंसिटिव कंटेंट होता क्या है। सेंसिटिव कंटेंट ऐसा होता है कि आपके सामने कोई अगर एक्सीडेंट वाली रील आ गई, मतलब उसमें बहुत ज्यादा ब्लड वगैरह दिखाई दिया, तो अगर आप उस टाइप की वीडियोस देखना पसंद नहीं करते हो तो यहां पर आप मोर पर इसे सेलेक्ट कर सकते हो, उससे आपके पास कोई सेंसिटिव कंटेंट नहीं आएगा। और अगर आप ऐसी चीज देख लेते हो इजीली, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको लेस पर भी सेट कर सकते हो। और अगर आप ऐसे कंटेंट देखना पसंद करते हो, इंस्टाग्राम से रिलेटेड छोटी से बड़ी जानकारी लेना चाहते हो, तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।